गिव द हेडिंग रेवेन्यू, गिव द हेडिंग रेवेन्यू, और कल का डिटेल जो है तुम लोग गुनगुन को बता देना क्या बोले हम बाद में एग्जाम का, बाद में बोल देना उसको, अभी पहले पढ़ लो। गिव द हेडिंग रेवेन्यू, जल्दी जल्दी, बहुत छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा टॉपिक है, इसको फटाफट खत्म कर देते हैं। रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब क्या होता है समझो, रेवेन्यू मतलब होता है इनकम, क्या होता है income. ठीक है इनकम राइट, तो रेवेन्यू मीन्स इनकम लिख लो ना, रेवेन्यू मीन्स इनकम जनरेटेड, रेवेन्यू मीन्स इनकम फ्रॉम, इनकम जनरेटेड, इनकम जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ अ कमोडिटी, इनकम जनरेट जो हो रहा है कहां से, फ्रॉम द सेल ऑफ अ कमोडिटी, उसको बोलते हैं रेवेन्यू, क्या बोलते हैं, जो इनकम जनरेट हो रहा है फ्रॉम द सेल ऑफ अ कमोडिटी उसको बोलेंगे रेवेन्यू, क्या बोलेंगे। अब एक चीज समझो सर, तुम लोग बोला इनकम मतलब रेवेन्यू होता है, यस और नो, तुम लोग बोला इनकम मतलब, तो सर रेवेन्यू जो है ना वो भी तीन तरह का होता है, कितना तरह का, पहला बोला, पहला बोला टोटल रेवेन्यू, दूसरा बोला, ये चैप्टर तुम्हारा 10 में नहीं था ठीक है, और तीसरा था मार्जिनल रेवेन्यू, क्या था, ये तीन तरह का रेवेन्यू होता है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। सर टोटल रेवेन्यू क्या होता है, पहले एग्जांपल देता हूं फिर समझा देता हूं इसका डेफिनेशन। हाँ टोटल रेवेन्यू क्या होता है समझो, मान लो, मान लो मेरा इस लाल ईट का बिजनेस है, किसका बिजनेस है, तो अगर मान लो मैं एक दुकानदार हूं और मान लो इस लाल ईट को, इस लाल ईट को मैं 300 रुपए में बेचता हूं, कितने रुपए में, तो एक यूनिट का प्राइस कितना रुपया, मान लो मेरे पास अर्चना आती है, मैंने बोला 300 निकाल, लाल हिट दे दिया, फिर मान लो मेरे पास गुनगुन आती है तो मैं अपना दूसरा यूनिट भी कितना में दे देता हूँ, फिर मान लो मेरे पास महक रचिता ये लोग आते हैं तो मैं इनको भी कितना में दे देता हूँ, इसका मतलब कोई भी व्यक्ति अगर आएगा तो मैं लाल हिट को कितना में दे रहा हूँ, 300 में, क्या मेरा प्राइस फिक्स है, क्या पर यूनिट प्राइस फिक्स है कि नहीं है, पर यूनिट मेरा प्राइस, तो इसका मतलब सुनो ध्यान से, अपने रेवेन्यू सीखने वाले हैं दो मार्केट में, कितना मार्केट में, पहला मार्केट परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा मार्केट मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जहां पे प्राइसेस फिक्स रहता है, तुम अगर चिप्स का दुकान, चिप्स के दुकान में जाएगा चिप्स लेने, तुम बोले भैया 10 वाला लेज दीजिए ना, वो अगर नहीं देगा दूसरे दुकान में जाएगा तो सामने वाला भी उसका कितना लेगा, 10, वो भी बंद है तो कोई और भी जाएगा वो भी कितना लेगा, तो ये जो मार्केट है परफेक्ट कंपटीशन दिख रहा है तुमको, जहां पे दाम एकदम सेम है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो अभी मैं तुम लोग को प्राइस फिक्स लिखा है, तो मतलब मैं अभी तुमको रेवेन्यू कौन सा मार्केट का समझा रहा हूँ, परफेक्ट कंपटीशन, ये दिमाग में डाल लेना, प्राइस फिक्स होना चाहिए तब ये मार्केट कौन सा है, परफेक्ट। अमन समझा, कैसे पता चला परफेक्ट कंपटीशन, अमन कोई भी सामान नहीं, एक सामान जिसका दाम फिक्स है, एक सामान जिसका दाम, अच्छा मान लो मेरे पास पहला कस्टमर कौन आया था बताओ तो, अर्चना, अर्चना ने बोला भैया एक लाल हिट दीजिए, मैंने बोला हाँ, अरे यार ये क्यों बन गया, मैंने बोला हाँ अर्चना लाल हिट ले ले, कितना रुपया निकाल, कितना रुपया निकाल, 300, तो अर्चना ने मेरे को दे दिया 300, तो मतलब जैसे ही मैंने पहला लाल हिट बेचा कितना मिल गया, उसके बाद मान लो मेरे पास कौन आया था, गुनगुन, वो बोली भैया एक लाल हिट मेरे को भी दे दीजिए, मैंने गुनगुन से तो 300 लिया लेकिन मेरे जेब में कितने रुपए हो गए, तो मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ा क्या, उसके मान लो मेरे पास तीसरा आदमी कौन आया था, रचिता, तो उसने भी बोला सर एक लाल हिट दे दीजिए, मैंने बोला हाँ दे दे, मेरा जेब में पैसा भरते जा रहा है, इस तरह से मेरा और जेब में पैसा भरता चला जाएगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्या मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रहा है, लेकिन प्राइस कांस्टेंट है क्या, प्राइस इज कांस्टेंट बट टोटल रेवेन्यू इज, अच्छा अगर मैं यूनिट्स को क्यू से डिनोट करता हूँ और प्राइस को अगर पी से डिनोट करता हूँ, तो माय डियर स्टूडेंट व्हाट शुड बी द फॉर्मूला फॉर टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला हो गया सर, एनी प्रॉब्लम इन दिस, नहीं, तो अगर मैं तुम लोग को टोटल रेवेन्यू का डेफिनेशन बोलूं, टोटल रेवेन्यू मींस टोटल इनकम, यस और नो, फ्रॉम द सेल ऑफ अ कमोडिटी, सुन लो पहले, टोटल रेवेन्यू मींस फ्रॉम द, एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग व्हाट एंड व्हाट, प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, यस और नो, समझा मेरा बात, लिख लो पहले टोटल रेवेन्यू का परिभाषा, लिख लो टेबल बाद में बना लियो, पहले टोटल रेवेन्यू का परिभाषा लिख लियो, टेबल बाद में बना लियो,
टोटल रेवेन्यू इज द टोटल इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ अ कॉमोडिटी. टोटल रेवेन्यू इज द टोटल इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ अ कॉमोडिटी. टोटल रेवेन्यू इज द टोटल इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ अ कॉमोडिटी. लिखा इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाई, इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाई मल्टीप्लाइंग, इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाई मल्टीप्लाइंग, इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाई मल्टीप्लाइंग प्राइज एंड क्वान्टिटी ऑफ अ कॉमोडिटी. इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाई मल्टीप्लाइंग प्राइज एंड क्वान्टिटी ऑफ अ कॉमोडिटी. दस टोटल रेवेन्यू इक्वल टू दस टी आर इक्वल टू दस टी आर इक्वल टू पी इंटू क्यू इज इंट इट. दस टी आर इक्वल टू पी इंटू क्यू इज इंट इट. दस टी आर इक्वल टू इज इंट इट. चलो नेक्स्ट एवरेज रेवेन्यू. एवरेज रेवेन्यू ए आर इसको शॉर्ट में बोलेंगे. हाँ मेरा एक सवाल है नूरुद्दीन से. नूरुद्दीन मैंने जब 900 कमाया तो कितना यूनिट बेचा था लाल हिट का? वेरी गुड. तो यानी ऑन एन एवरेज एक में कितना कमा रहा हूं? 900 कमा रहा हूं तीन यूनिट बेच के, तो एक में कितना? हाँ सही बोल रहा है क्या अमन? मैं 600 कमा रहा हूं कितना यूनिट बेच के, तो ऑन एन एवरेज एक में कितना कमा लूंगा? हाँ श्योर. रश्मि चौरड़िया मैं 1200 कमा रहा हूँ चार बेच के, ऑन एन एवरेज कितना कमा लूंगा? हाँ 600 क्या? 1200 कमा रहा हूँ चार बेच के, तो ऑन एन एवरेज 300 या 600 सब में 300 यार है तुम 300. इसका मतलब सर फॉर्मूला क्या हुआ? एवरेज यूनिट का फॉर्मूला हो गया टी आर बाई क्यू, है ना टी आर बाई. तो हर बार 300 आ रहा है क्या? चेक करो तो आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा राइट. तो एवरेज रेवेन्यू का डेटा तो तुम लोग लिख लेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहले इसका मतलब ये हुआ ना कि ऑन एवरेज एक यूनिट पे तुम कितना कमा रहे, इसको क्या बोलेगा? एवरेज रेवेन्यू. तो इसका परिभाषा लिख लो. एवरेज रेवेन्यू इज द पर यूनिट रेवेन्यू. एवरेज रेवेन्यू इज द पर यूनिट रेवेन्यू. अपना तुम लोग का प्रिपरेशन ऐसा होना चाहिए कि एग्जाम के समय तुम लोग को सब याद रहे, बुक भी खोलने का जरूरत ना रहे. क्या बात है क्या? एवरेज रेवेन्यू इज द पर यूनिट रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ अ कॉमोडिटी. फ्रॉम द सेल ऑफ अ कॉमोडिटी. अगर मैं तुम लोग को बोलूं इस डेफिनेशन में, इस डेफिनेशन में जो मैंने लिखाया है एवरेज रेवेन्यू इज द पर यूनिट रेवेन्यू फ्रॉम द, इस डेफिनेशन में अगर कोई कीवर्ड को हाईलाइट करो तो कीवर्ड वही हो. देखा तुम लोग सब समझदार है. तो ये कीवर्ड हो गया पर यूनिट रेवेन्यू ऑन एन एवरेज. यस और नो? बाकी तो कीवर्ड कुछ है नहीं. बाकी तो कीवर्ड कुछ दस ए आर इक्वल टू टी आर बाई क्यू. दस ए आर इक्वल टू टी आर बाई क्यू. कोई दिक्कत? वेरी गुड. अभी तक मेरे को दो कॉलम सेम मिल गया. इसका मतलब एवरेज रेवेन्यू और श्योर एकदम. नेक्स्ट कॉलम बना लो मार्जिनल रेवेन्यू एम आर. मार्जिनल रेवेन्यू एम आर. एम आर तुम लोग इतना बार कर चुका है. एम आर तुम लोग इतना बार कर चुका है. एम आर मतलब होता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू. पहले मैं ये डेटा में बना देता हूँ फिर डेफिनेशन लिखा देता हूँ. मेरा सवाल है एक चीज बताओ, चेंज इन टी आर दिख रहा है तो 300 से 600 हो गया, तो यहाँ का टी आर कितना का पहले ये बताओ. ऊपर वाला छोड़ दो अभी, 600 से 900 कितना आ जाएगा? चेंज दिख रहा है तो 900 से 1200, 1200 से 1500. अब अगर तुम लोग मेरे अच्छे स्टूडेंट हो तो बताओ पहले वाले में क्या करूं? बहुत गंदा स्टूडेंट हो तुम लोग, नालायक लोग हैं. क्यों बताओ? जब मैं कुछ नहीं बेच रहा था, एक भी लाल हिट, सुबह से बैठा हूं कोई कस्टमर नहीं आ रहा है, लाल हिट ले लो, मैं जीरो था. जीरो से जैसे पहले यूनिट बेचा झोली भर गई मेरी 300 से, चेंज कितने का हो गया? तो काहे डैश बोल रहा है, काहे डैश बोल रहा है? जीरो से 300 हुआ होगा ना, तो 300 हुआ कि नहीं हुआ? तब फिर क्यों डैश होगा यार? समझा ना मेरा बात? इसके ऊपर जीरो होगा ना, जस्ट इमेजिन इसके ऊपर क्या होगा. जीरो पे प्राइस 300 है, अगर कुछ होगा भी नहीं तो भी जीरो इंटू जीरो क्या आएगा? जीरो ही ना है, तो जीरो से 300 हो रहा है, तो समझा मेरा बात. तो इसलिए एमआर जो है वो कभी जीरो नहीं होगा, एमआर भी कुछ है मेरे पास. समझा मेरा बात? वेरी गुड सर. इसका मतलब सर तीन कॉलम सेम हो गया, प्राइस ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे अपने. बट पहले एमआर का परिभाषा लिखा देता हूं. लिखो एमआर इज द, एमआर इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू.
ब्रैकेट में लिखना एडिशनल रेवेन्यू, एम आर इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू और ब्रैकेट में लिख लो एडिशनल रेवेन्यू, फिर ब्रैकेट क्लोज कर लो, फ्रॉम सेलिंग एन, फ्रॉम सेलिंग मत करो, फ्रॉम द सेल ऑफ, फ्रॉम द सेल ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, फ्रॉम द सेल ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, आउटपुट मतलब समझ रहे हो ना, जो आप बनाकर बेचते हो उसको बोलते हैं आउटपुट, जो आप यूज करते हो उसको बोलते हैं इनपुट, जो बनाकर बेच रहे हो उसको क्या बोलते हो। अच्छा, क्या एम आर को ऐसा लिखा जा सकता है क्या सर? ऐसा लिखा जा सकता है एम आर इक्वल टू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन, नहीं लिखा जा सकता है? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम एन अगर सिक्स है मेरा, सपोज एन का वैल्यू क्या है, तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सिक्स यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू सिक्स माइनस वन कितना होता है, है ना? तो ये मेरा एम आर कौन सी यूनिट का आ जाएगा, एन यूनिट का, यहाँ पे एम आर एन लिख लेना था, हाँ ये नीचे लिखने का जरूरत नहीं, तो समझाया था एम आर एन इक्वल टू टी आर एन माइनस वन, कोई भी लेवल का हो सकता है ना, सिक्स माइनस फाइव, फाइव माइनस फोर, फोर माइनस थ्री, थ्री माइनस टू, टू माइनस वन, ये हो गया मेरा एम आर। अब समझो ध्यान से सर, तीन कॉलम सेम हो गया, प्राइस हो गया, ए आर हो गया, एम आर हो गया, अभी एक बार तीन सेम हो गया, तो मैं अगर तुम लोग को बोलू प्लीज 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 फोकस करना, नीचे मैं यूनिट्स ही बनाने वाला हूँ, क्या बनाने वाला हूँ, यूनिट्स मतलब क्या क्या था याद है ना, जीरो था, फिर टू, कितना यूनिट्स लिया मैंने का लाल हिट का, पांच। अब बोल रहा हूँ मेरे को इस कॉलम में, इस कॉलम में प्राइस का ग्राफ बना के दिखाओ, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा क्या? बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन होगा माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाई? बिकॉज प्राइस तो अपना फिक्स है, कितना पे है 300, अगर मैं एक यूनिट बेचूं यार, ये बनाने का जरूरत नहीं, ये वाला पार्ट से दिखा रहा हूं, तो भी 300 ही लगेगा, दो यूनिट बनाऊंगा तो भी 300 पे बिकेगा, नॉट लगेगा, तीसरा यूनिट बेचूंगा तो भी 300 मिलेगा, चौथा बेचूंगा तो भी, पांचवा बेचूंगा तो भी, तो इसका मतलब सर, इसका मतलब ये मेरा किसका हो गया, प्राइस का, यस और नो सर? ये एक्स हो गया, ये ओरिजिन हो गया, और ये वाई एक्स, यहाँ पे अपने यूनिट्स लिए और यहाँ पे क्या मेजर किया, चलो वेरी वेरी गुड। अब अगर मैं बोलूं एआर का कर्व बनाओ, ये रहा शेड्यूल तेरे पास, एआर का कर्व, हाँ हॉरिजॉन्टल, अरे जैसा प्राइस वैसा एआर, जैसा देश वैसा भेष, जैसा प्राइस वैसा एआर, सेम है ना? अरे अमन वो भी तीन 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 सौ, एआर भी तीन 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 सौ, एम आर भी तीन 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 सौ, इसका मतलब प्राइस इक्वल टू ए आर इक्वल टू एम आर, कोई कभी कर्व उड़ा देना, सीधा स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, समझा मेरा बात? प्राइस इक्वल टू ए आर इक्वल टू एम आर, ये हो गया इसका कर्व। अभी तुम लोग मेरे को पता शेड्यूल और कर्व नहीं बनाया, बट पहले समझ लो, एक और कर्व दिखाना है खाली, किसका कर्व, टी आर का कर्व, किसका कर्व, टी आर का कर्व, चलो कैन एनीवन हेल्प मी आउट, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, गुनगुन अब ट्यूशन के बाद डायरेक्ट नहीं आ रहे हो, कहीं तो जाके आ रहे हो, बोलो ये रहा टी आर, चल रहा है क्या होगा, एक मिनट आप ट्राई करो, तब तक किसको आ रहा है, किसको आ रहा है, तुमको आता है आयुष, तुमको आता है, अच्छा लेट मी गिव यू ऑप्शन, यू पीपल आर ट्राइंग, इन्वर्टेड एस नहीं है, अच्छा पूरा ऐसे खड़ा कर दू स्ट्रेट, नहीं से 300 से अपवर्ड होगा ना, अच्छा तो ऐसा कर दू क्या, ऐसा कर दू, हाँ ये हाँ, अच्छा हॉरिजॉन्टल लाइन, एक मिनट ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाला, हाँ इसके ऊपर से, इसके ऊपर से, हाँ देखो तुम लोग जो बोल रहे हैं ना, मतलब तुम लोग ये बोल रहे हैं मेजोरिटी ऑफ यू, हाँ आज मैं तुम लोग को सिखाता हूँ, देखो प्लीज सुनो, इसका मतलब तुम लोग बोल रहे जीरो पे भी 300 मिल रहा है, नालायक लोग, ये जीरो पे 300 मिलेगा नहीं ना, ये तो गलत है, हाँ कहाँ से ऐसा, नीचे वन यूनिट है, ये वन यूनिट है, हाँ इधर 300 है, ऐसा बनाऊं क्या, ऐसा रश्मि डू वॉन्ट टू से समथिंग राइट, यस टेल मी, इज दिस करेक्ट, ओके रश्मि सिंह सर ये
पहला पद रश्मि तो हो ही नहीं सकता, आप जीरो बेच रहे हो तो जीरो पे तो मेरा शेड्यूल देखो ना, जीरो पे तो कुछ नहीं, जीरो पे तो बनाया नहीं मैंने, अरे जीरो का तो बनाया नहीं मैंने, जीरो पे अगर ये होगा तो प्राइस भी जीरो रहेगा तो रेवेन्यू घंटा मिलेगा मेरे को, हाँ कुछ नहीं बेचूंगा, लोग आके पैसे देना स्टार्ट कर देगा। आप जो बोल इसका मतलब ये है, लाल ईट पड़ा है, लोग लाल ईट देख रहा है, सूंघ रहा है, चला जा रहा है, पैसा दे दे रहा है, डेंड्राइट का नशा है, ऐसा होता है क्या? सुनो गाइस, द करेक्ट, हाँ वंश, ये नहीं, ये वंश आप ये जस्ट पे अटेंशन यार, जस्ट पे अटेंशन, चिल्ला मिली मत करना, समझा दूंगा। कोई बोला ही नहीं, इतना मौका दिया। सुनो बेटा, ये जीरो पे तो जीरो ही है, ये जीरो पे तो जीरो ही है। अब मान लो ये एक है, तो इस एक पे कितना दिखाया मैंने, याद करो, बात खत्म। ये दो पे कितना बनाया, बात खत्म। तीन पे कितना बनाया, बात खत्म। तो यार ओरिजिन से ना स्टार्ट हो रहा है, वो भी जीरो, वो भी जीरो, वो भी जीरो, वो भी जीरो, फिर एक पे 300, दो पे 600, तीन पे 900, चार पे 1200, पांच पे 1500, छह पे 1800, सात पे 2100, ऐसे ही बोलने वाले पे कोई बोला नहीं, वंश होगा, ठीक है? समझा, समझा, तो ऐसा कहानी है, क्लियर हो गया? चलो आओ, तो ये हो गया टी आर, अब सारा कर्व बना लो यार, मतलब पी इक्वल टू आर इक्वल टू एमआर में एक बन गया और टी आर का एक बना लो, ठीक है? जिससे बनाना बना लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, तुमको गूगल करना है, तुमको चैट जीपीटी करना है, तुमको बुक्स रेफर करना है, ये छोटा सा क्वेश्चन लिख के लाना है। वाई इज ए आर इक्वल टू एम आर इज, आई वॉन्ट, जो सबसे अच्छा आंसर लिखेगा भाई, बहुत अच्छा लगता है मेरे को, प्लीज थोड़ा अपना बुद्धि भी यूज करना, गूगल करो, नो प्रॉब्लम, बट एट द एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड द आंसर। वाई इज ए आर इक्वल टू एम आर इज अ स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन, शेड्यूल के हिसाब से समझ में तो आया, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है? इसको चार मार्क्स के हिसाब से प्रिपेयर करके लाना, और कल ही देखूंगा मैं, कल है, इसको बता देना प्लीज। हाँ, कल, ठीक है ना? वाई इज ए आर इक्वल टू एम आर इज स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है? इसका रीजन सोच लेना, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैंने पूरा शेड्यूल समझा दिया तुम लोग को, ठीक है? इसके थोड़ा गूगल करना, थोड़ा स्टडी करना, ठीक है? खुद से भी करो थोड़ा सा, मेरे को तो छह लाइन लिखाने में क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, ठीक है? अच्छा, अभी अपने जो मार्केट पढ़े, वो कौन सा मार्केट का पढ़े? परफेक्ट कंपटीशन, मैं समझ रहा तुम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है? परफेक्ट कंपटीशन सब समझता हूँ मैं, तुम सर्च कर रहा अभी से, ओ अच्छा, तब ठीक, कुछ और कर रहा था, कुछ और कर रहा हूँ, छोड़ो, सुनो ध्यान से, अभी मैंने कौन सा मार्केट पढ़ा यार? हाँ, अभी मैं मूव कर रहा हूँ, पता है किस मार्केट में? क्योंकि रेवेन्यू जो है भैया सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होता है ना, मोनोपोली मार्केट में भी होता है। मोनोपोली मतलब समझता है तुम लोग क्या होता है? मोनो मतलब होता है वन, पोली मतलब होता है सेलर। हाँ, तो एक ऐसा मार्केट जहां पे बेचने वाला केवल और केवल एक है, राइट? बेचने वाला केवल एक और एक है, उस मार्केट को क्या बोलेगा? मोनोपोली मार्केट बोलेंगे, ठीक है? वन सेलर, जैसे एग्जांपल, सर एग्जांपल हो गया, मान लो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रेलवेज हो गया, इंडियन गवर्नमेंट का, है ना? तो जिस मार्केट में केवल एक ही जन का कब्जा है, उस मार्केट को क्या बोलेगा? मोनोपोली मार्केट, यानी वन सेलर मार्केट, ठीक है? परफेक्ट कंपटीशन में बेचने वाले बहुत होते हैं और खरीदने वाले, तो प्राइस उनको फिक्स रखना पड़ता है, ऑप्शन नहीं है, कंपटीशन बढ़ जा रहा है। लेकिन मोनोपोली मार्केट में सर बेचने वाला सिर्फ और सिर्फ, खरीदने वाला, बेचने वाला एक, खरीदने वाले अनेक, बेचने वाला एक, खरीदने वाले, तो उस मार्केट को क्या बोलेगा? मोनोपोली मार्केट। क्या बोलेगा? मोनोपोली मार्केट। समझा मेरा बात? अब सुनो ध्यान से क्या हो रहा है मोनोपोली में ना, कहानी पूरा पलट गया। कैसे पलट गया समझो, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, यूनिट वन, थोड़ा छोटा छोटा लिखना होगा, यूनिट, डोंट राइट। अच्छा, तुमने ये वाला शेड्यूल कॉपी किया परफेक्ट कंपटीशन वाला? वेरी गुड।
यूनिट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एक बार सात तक लिखता हूं, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं चीज लिख रहा हूं ना, मान लेता हूं मैं बात कर रहा हूं प्राइस पर यूनिट पेन का, किसका बात कर रहा हूं, पेन का, कोई भी एक पेन ले लो, जैसे मान लो आई एफ दिस मार्कर पेन, ठीक है। मान लो मेरा इसका खरीदारी पड़ा है, मेरा कॉस्टिंग पड़ा है आठ रुपया, कितना रुपया ये कॉस्ट पड़ा है मेरा, एमआरपी इसका 20-22 कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा कॉस्टिंग कितना पड़ा है। अच्छा, अगर मान लो मेरे को ऐसा लगता है कि इस पेन को अगर मैं आठ, चलो कॉस्टिंग और छोटा रखता हूँ फिगर समझाने के लिए, मान लो कॉस्टिंग दो पड़ा है, दो रुपया, कितना रुपया, दो, तीन रुपया, बहुत कम पड़ा है। अगर मैं इस पेन को 10 में बेचता हूँ, मेरा फायदा है कि नुकसान है? फायदा है। तो चलो, मैंने पहला पेन बेचा कितना रुपया में, तो टोटल कितना कमा लिया। अब अगर मेरे को लग रहा है रुक रुक रुक, मान लो अमन को पेन चाहिए, अमन बोला सर थोड़ा डिस्काउंट दीजिए ना, मैं आपसे दो पेन ले लूंगा, कितना पेन ले लूंगा, तो अगर मैं दो पेन बेच रहा हूँ नौ नौ करके भी, मेरा को नुकसान है क्या? मार्जिन तो ठीक है कम हुआ, मगर क्वांटिटी तो बढ़ रहा है मेरा। तो अब एक पेन को मैं 10 में बेच रहा था, 10 में एक ही आदमी खरीदने के लिए राजी है, एक ही पेन, बट जहां मैं दाम गिरा दे रहा हूं मेरा यूनिट बढ़ रहा है, जहां प्राइस कम किया यूनिट बढ़ गया, तो डिमांड का लॉ याद करो ना, प्राइस घटा डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। अब मेरा टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, एज अ सेलर आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मेरा टोटल रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, टोटल रेवेन्यू घटना नहीं चाहिए भाई। चलो, उसके बाद मान लो एक आदमी और आ रहा, बोल रहा सर हम तीन पेन ले लेंगे, आप थोड़ा सा दाम और कम कर दीजिए ना, मैंने बोला चल ठीक है कर देगा, कितना रुपया, आठ, तो कितना रुपया हो गया, टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए। एक चांस और लेते हैं, मान लो मेरे पास एक आदमी और आया, बोला सर थोड़ा और कम कर दिए, चार ले लेंगे, कितना कर दूं, सात कर दूं। चलो, कॉस्टिंग याद रखना दिमाग में, दो रुपए से नीचे नहीं जाऊंगा मैं, कॉस्ट कितना पड़ा है मेरा, कितना रेवेन्यू आ जाएगा, फिजिबल है क्या, हाँ है, और कम करके देखूं कितना कर दूं, कितना बेच पाऊंगा, छह पेन, छह रुपया में पांच पेन, कितना कमा लूंगा, और नीचे जाऊं थोड़ा सा, पांच किया छह पेन, चलो ठीक है, नुकसान तो नहीं है, अरे भैया नुकसान तो नहीं है, तीस था तीस ही है, कोई बात नहीं, माल अगर खराब भी होगा तो निकल तो जाएगा। अब देखो, तो इसके बाद तो समझ जाओ सिचुएशन खराब है, अगर ये आठ भी हो जाए, वो तीन भी कर दो, 24 होगा, नुकसान है। मैं वो कहां तक बेचना चाहिए, फाइव तक नहीं, जहां तक मैक्सिमम है वहां तक, बाद वाला मैक्सिमम हमेशा याद रखो, यहां पे कोई नुकसान तो नहीं है ना, तो आई विल सेल टिल हियर, समझा। तो इसका मतलब सोचो, प्राइस बढ़ रहा है, टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, जहां पे टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है वहां तक बेचूंगा, कितना पेन बेचूंगा। अच्छा, तुम एक चीज समझो, मैं अपना ही बारे में बताता हूँ। जब मैं 2011 में क्लास 11 दिया था, 12 दिया था, ठीक है, 2011 में क्लास 12 का बोर्ड दिया था मैंने, तुम लोग से बहुत पहले दिया था, ठीक है। तो उस समय ना मैं सीए फाउंडेशन जून में अटेंड में था, अभी मेरे को याद है, ट्रस्ट में मैं एक बच्चे को पढ़ाता था, उस समय 800 रुपया महीना में, क्लास 6 या 7 का बच्चा था, आदर्श तिवारी नाम था उसका। वो बोला सर मेरा एक फ्रेंड और पढ़ेगा, आप पैसा थोड़ा कम कर देंगे क्या? तो एक बच्चे के लिए हम 800 लिया, हम बोले ठीक है जाओ दोनों पढ़ो, 700 रुपया कर देंगे। तो एक बच्चे पे 800, टोटल रेवेन्यू कितना आता था मेरा, जहां बच्चा बढ़ा मेरा रेवेन्यू कम कर दिया, मतलब प्राइस कम किया, लेकिन टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो मतलब टाइम उतना ही देना पड़ रहा है मेरे को, टाइम टू बी मोर प्रैक्टिकल, टाइम उतना ही देना पड़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ा। अगर मान लो चलो उस टाइम मैं दो ही को पढ़ाता, वो बोलता सर मेरे पास एक फ्रेंड और हम लोग का, थोड़ा और कम करेंगे, मैं ना कर देता हूँ जा, कितना करके दो, टोटल रेवेन्यू तो बढ़ रहा है ना मेरा, यूनिट बढ़ रहा है मगर रेवेन्यू भी तो बढ़ रहा है, प्राइस घट रहा है फिर भी। बोला सर और एक पढ़ा देंगे क्या, हम बोला हाँ ले, कितना कर देंगे, फिजिबल है क्या? अब वो बोला सर और कम कर दिए, फिजिबल है क्या? चल जाएगा, कोई नुकसान तो नहीं है ना, चल जाएगा, चल जाएगा। अब बोला सर और थोड़ा सा देख लीजिए ना, घंटा देखूंगा, देख लो रेवेन्यू गिर रहा है मेरा, रेवेन्यू क्या हो रहा है, गिर रहा है। तो आई विल टीच टिल कहां तक, पांच स्टूडेंट्स तक, तो जहां पे मेरा टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम वहां तक पढ़ा दूंगा, उसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा, उसके बाद तो क्या हो रहा है, मेरे को नुकसान ही हो रहा है। तो सोचो कहां से 800 से कम करके कितना मिल आया, पर टीआर तो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है मेरा। तो जब तक टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा पढ़ाओगे, जब तक टोटल पढ़ाने वाले बेचोगे, टोटल रेवेन्यू जहां घटने लगा वहां पे, तो ये कहानी हो गया किस मार्केट का, मोनोपोली। अच्छा एक मिनट, इसमें प्लीज ये मत बोलना सर एवरेज रेवेन्यू हमको निकालना नहीं आता, कैसे निकलेगा एवरेज रेवेन्यू, फॉर्मूला वही रहेगा, हाँ टीआर बाई क्यू कितना कितना आएगा, 10/1 कितना आ जाएगा, 10 ही आएगा ना, उसके बाद दूसरा बताओ मेरे को, 18/2 कितना हो जाएगा, उसके बाद पक्का 7, प्राइस और एयर सेम हुआ क्या,
प्राइस और एयर सेम हुआ, ये कौन से मार्केट में और सेम था? परफेक्ट में सेम था, मोनोपोली में सेम। मोनोपोली में अभी दो चीज सेम हो गया, प्राइस और परफेक्ट कंपटीशन में तीन चीज सेम था। इसमें एमआर कितना होगा जल्दी से बोलो। क्या एमआर भी 10.07654 कर दूं? बहुत बड़ा गलती हो जाएगा अगर मैं ये एमआर छाप दूं ना, बहुत बड़ा गलती हो जाएगा यार। तो ठीक है, एमआर वो नहीं रह सकता। एमआर पहला वाला तो पता है तुमको, अब तो बेवकूफी मत करना। पहला वाला एमआर 10 होगा, दूसरा वाला एमआर इसका चेंज देखो यार, 10 से 18 हो गया, कितने का चेंज हो रहा है? 8। उसके बाद क्या कहानी है? 6 कहानी है। उसके बाद क्या कहानी है? उसके बाद क्या कहानी है? उसके बाद क्या कहानी है? और उसके बाद का कहानी समझा मेरा बात? ये शेड्यूल पहले कॉपी कर लो, फिर कुछ बातें करेंगे अपने छोटे छोटे, ठीक है? ये शेड्यूल पहले कॉपी कर लो, ये शेड्यूल कर लो कॉपी। रचिता आपके पास है? छोड़ दो मेरे पास है। हुआ रश्मि चौड़िया? हुआ डन। आई विल गिव जस्ट 2 मिनट्स टू एवरी वन टू शो मी द ग्राफ ऑफ पी ए आर एम आर टी आर। पी ए आर एम आर टी आर पेंसिल से करना है, पेंसिल से अगर श्योर हो तो अच्छा बात है, तो पीछे कर लो, फिर कॉपी खराब मत करो, ऐसे भी कटने वाला है, समझा? कटते ही जा रहा है, आज फिर कट जाएगा, ठीक है ना? पी ए आर एम आर टी आर, पी ए आर एम आर टी आर, पी ए आर एम आर टी आर, जल्दी जल्दी। सीवन आप पेन से बना रहे हो, कॉन्फिडेंट हो क्या? नहीं। तो फिर पीछे करो, शेड्यूल सामने है, क्यों अपना अच्छा खासा कॉपी, क्यों अपना अच्छा खासा कॉपी दिल बनाओ खराब करता? कृति एक भी गलत होगा बाहर भेज दूंगा। अमन तुमको भी सेम चीज बोल रहा हूँ, कल यहाँ पे आया था ना, अभी आएगा वापस, आ जाओ, ठीक है? इजान पीछे बैठ के अलग मजा मिलता है क्या? हाँ कभी आगे नहीं बैठना, जगह नहीं उस बेंच में, कृति के पास जगह नहीं है। हाँ आ गया, कृति वाले बेंच में बैठो कि वहीं बैठेगा, बैठ जाओ। हो तो गया है, हो गया, दिखाओ यहाँ पे कॉपी ले, पास करो कॉपी, पास कर दो, मैं शुरुआत का 3 लोगों का कॉपी देख लूंगा। मैं फाइनल कौन सा मानू, एमआर मानू ये एआर मानू? एआर और टी वो नीचे वाला, टीआर का है? हाँ टीआर का है, और एआर एमआर साथ में बना के दिखाओ मेरे को, एक ही ग्राफ में एआर एमआर बनाओ, एआर एमआर एक ही ग्राफ में बनाओ और टीआर अलग ग्राफ में बनाओ, एआर एमआर एक ही साथ दिखाओ मेरे को एक ही ग्राफ में। हाँ लेकिन अब टीआर गलत है तुम्हारा, और एआर एमआर साथ में बनाओ, टीआर गलत है शिवम चौधरी, और एआर एमआर साथ में बना के दिखाओ, एआर एमआर को जुदा ना करो, दृष्टि टीआर तो सही हो रहा है, एआर एमआर करो एक साथ। रचिता डन, वहीं से दिखाओ एक बार, इतना छोटा कैसे पकड़ू मैं, दिखाओ इधर आओ, इधर लेके आओ, इधर लेके आओ, थोड़ा प्लीज बड़ा बड़ा करो यार, दिख नहीं रहा। ये किसका, ये किसका, ये है साधना का साथ। पी इक्वल टू यार सेम हो गया, सेम तो हॉरिजॉन्टल होगा, बोलो कांस्टेंट है क्या प्राइस? 10-10-10-10 तो कांस्टेंट है। हाँ एमआर भी गलत है,
एम आर बढ़ के घट रहा है क्या? एम आर बढ़ा है क्या? देखो तो एम आर बढ़ा ही का, एम आर तो घटते ही जा रहा है ना। टी आर सही है। हाँ अब मेरे को एक चीज बताओ, ए आर एम आर एक साथ बना के दिखाओ। और सब सही है। हाँ सही है। हाँ टी आर गलत है और ए आर एम आर साथ में नहीं बन रहा आपका। पी ए आर तो सही है। हाँ टी आर सही है, ए आर एम आर तो ये है। अब ए आर बनाओ, एम आर ही तो है वो नेगेटिव हुआ है। टी आर एकदम सही जा रहे हो। अब आप एम आर बनाए उसको तो नेगेटिव मार दिया ना, तो एम आर हो गया। क्या ये टी आर? टी आर चल जाएगा। और ए आर एम आर साथ में बनाओ। नहीं आ रहा किसका? ए आर वहां तक भी नहीं आएगा। ए आर जीरो हुआ ही नहीं, देखो ए आर कभी जीरो नहीं हो सकता। हाँ हाँ और ए आर के साथ एम आर बनाओ। आप ए आर गलत है, जीरो नहीं हो सकता। आप टच क्यों करा रहे हो उसको? हवा में रखो, नीचे में टच मत कराओ। ऐसा दिख नहीं रहा, इधर लेके आपका तो बहुत छोटा। इधर आओ, इधर लेके, इधर लेके। नहीं दिख रहा, सच बताओ नहीं दिख रहा। इधर लेके आओ। हाँ आपका सही जा रहा है। अब थोड़ा इसको बड़ा बना लो और इसको यहाँ से स्टार्ट कर दो, ठीक है ना? यहाँ से स्टार्ट कर दो, एकदम यहाँ से, ठीक है? यहाँ से स्टार्ट कर दो। हालांकि जीरो पे नहीं होना चाहिए, बट बुक में ऐसे ही बनाता है वो लोग, यहीं से टांग देगा। बुक खोलोगे ना तो यहीं से टांगेगा वो लोग। हाँ महक दिखा दो। टी आर क्या सेम रेट में बढ़ रहा है? एक पे 10, दो पे 20, तीन पे 30 बढ़ रहा है। वो जब तब होता है जब सेम रेट में बढ़ता है। सेम रेट में नहीं बढ़ रहा है, एक पे 10, दो पे 18 हो जा रहा है। रेट कहाँ सेम है उसका? बहुत आप नीचे, ठीक है थोड़ा गैप ऐसा बनाओ ना। आओ लेट मी शो यू, मैं दिखाता हूँ तुम लोग को। ठीक से देखो सब, मैं दिखाता हूँ सबको, तुम लोग देखो खाली। सुनो पहले, यार नेगेटिव नहीं हो सकता। देखो ये हो गया, हो गया, लेके आओ। सबसे पहले मैं तुम लोग को टी आर दिखा देता हूँ। क्या दिखा देता हूँ? टी आर दिखा देता हूँ। ए आर एम आर बहुत गंदा है, टी आर फिर भी चल जाएगा। ए आर एम आर एकदम नहीं चलेगा, देख लो। टी आर सही है, देखो। हाँ टी आर कैसा होगा? टी आर पहले बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। एक पॉइंट पे मैक्सिमम हुआ यहाँ पे, और उसके बाद वही ये वाला ऑक्सीजन कॉन्स्टेंट होके फिर क्या हो गया? तो ये हो गया टी आर। और बहुत जन टी आर ऐसा बनाने का ट्राई किया जो कि गलत है। पीपल आर डूइंग लाइक दिस। ये कब हो सकता है सर? जब एक पे प्राइस 10 है, दो एक पे रेवेन्यू 10, दो पे 20, तीन पे 30, तब होगा। ऐसा थोड़ी है मेरा इस बार। ये तब होता है जब सेम प्रोपोर्शन बढ़ता है, ये तब होता है जब सेम प्रोपोर्शन बढ़ता है, ठीक है? और अच्छा देख लेना, मैं बनाऊंगा तो गैप सही नहीं होगा, ठीक है? ये टोटल रेवेन्यू होगा। कैसे होगा टोटल, समझा? ये हो गया टोटल रेवेन्यू, ठीक है? कहीं पे एक पे 10 था, उसके बाद दो पे समथिंग कितना था, 18 समथिंग। मेरा मैक्सिमम कितना पे हो गया था? तो ये मेरा मैक्सिमम कितने यूनिट पे हुआ था, याद है क्या? 6 यूनिट पे। ये 30 मैक्सिमम रीजन है, समझ? बनाने का जरूरत दिखा रहा हूँ। फिर उसके और आगे गया, जब 7वां यूनिट तो नीचे आ गया था ना, है ना? ठीक है चलो, ये पॉइंट आपको बनाने का जरूरत है। यू आर जस्ट सपोज टू डू दिस ओनली। हाँ जस्ट सपोज टू डू दिस ओनली, बस काफी है। क्या हुआ ऐसा? कौन स्टूडेंट आवाज निकाल रहा है? ओ ठीक है, आप तो नहीं ना निकाल रहे, ठीक है? नेक्स्ट आओ। अब सुनो ध्यान से, लेट मी शो यू समथिंग डिफरेंट। क्या दिखाऊंगा बोलो? ए आर और सर, पहला बात बहुत जन गलती क्या कर रहा है ये देखो। बहुत जन पहले क्या कर रहे हैं वो दिखा रहा हूँ। बहुत जन ए आर को ऐसे लेके चला जा रहा है। ए आर कभी जीरो नहीं हो सकता है, ए आर कभी जीरो, क्योंकि टी आर ही कभी जीरो नहीं हो सकता। तो ए आर कहाँ से होगा, याद करो ना, ए आर का फॉर्मूला क्या होता है? टी आर, तो टी आर कभी जीरो हो सकता है, तो ए आर कभी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन ए आर घट रहा है ना, तो ए आर अगर घट रहा है तो सर ए आर को घटाते चले जाओ, बस बस इतना छोड़ दो, बस काफी है। और एम आर इसी के बगल से, देखो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है क्या? 10 10, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट 10 10 है, तो एम आर भी सर यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है? लेकिन एम आर का खास बात क्या है सर? ये नेगेटिव चला जाएगा, ये नेगेटिव चला जाएगा, ठीक है? ये नेगेटिव चला जाएगा, यानी सर अगर मैं ऐसा दिखा रहा हूँ ए आर, तो मेरा एम आर ऐसा हो जाएगा। ये बेटर है, यू कैन कॉपी दिस, ठीक है?
ये ए आर हो गया और ये क्या हो गया एम आर हो गया, ए आर हो गया और ये एम आर हो गया, ठीक है, ये ए आर हो गया और ये एम आर हो गया। इसका मतलब एक चीज बोलू क्या, तुम एक चीज देखना, एम आर जो है सीधा डबल रेट से घटता जा रहा है यार के, देख लो एम आर दो घट रहा है तो ए आर कितना घट रहा है, ये फिर दो घट रहा है तो ये कितना घट रहा है, यानी स्लोप का फर्क है, यस और नो, एक जन का स्लोप ट्वाइस है क्योंकि एक जन डबल रेट से घट रहा है, समझा मेरा बात, एक जन का स्लोप ट्वाइस हो जाए क्योंकि वो डबल रेट से घटता चला जा रहा है, समझा मेरा बात। चलो ये हो गया एम आर। अब हम लोग बात करते हैं आज के सबसे गंभीर मुद्दे पे, सबसे और आज के जमाने का सबसे गंभीर मुद्दा यही है क्या, रिलेशनशिप, और हमेशा दो जन के बीच का ही होता है जनरली, तो यहाँ पे तो जो जो दो जन का बात होगा वो टी आर और एम आर, राइट, टी आर और एम आर, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एंड एम आर। चलो सबसे पहला रिलेशनशिप लिखो, और तीन रिलेशनशिप होता है, कितना रिलेशनशिप होता है तीन, टी आर और एम आर के बीच कितना रिलेशनशिप होगा तीन, ठीक है। पहला रिलेशनशिप क्या होगा, उनको प्रॉब्लम हो रहा है, बिल्कुल देखो ना ये वाला पता है जीरो पे टेन है ना, अब ये मैं कुछ मैं वही वही उसको बोल रहा था कि अपने बुक में ऐसे ही बनाया हुआ रहता, नहीं तो थोड़ा सा उसको ऐसे स्टार्ट करना चाहिए ना, बट बुक में वैसे ही है, बुक में देख लो कोई चेंज किया कि नहीं, लोग बुक में ऐसे ही बनाता है पूरा, तो मेरे पास भी ऑप्शन नहीं, लोग ऐसे ही बना रहे हैं, तो ठीक है, समझा मेरा बात। यस कुणाल कम इन, यू वांट टू सीट समवेयर, यू वांट टू सीट ऑन माय लैप, कम आओ, शर्मा गया कुणाल। चलो डन, रिलेशनशिप का बात करेंगे, किसका बात करेंगे, टी आर और एम आर का, किसका बात करेंगे, एक चीज ध्यान रखना सर प्लीज प्लीज प्लीज, जब टी आर बढ़ रहा है, क्या बोला, एम आर कंटिन्यूअसली घटे जा रहा है, चेक करो ना एक बार, ये टी आर बढ़ रहा है ना, टी आर बढ़ रहा है, टी आर बढ़ रहा है, एम आर घट रहा है, पहले समझा दे रहा हूं मैं। दूसरा, बढ़ते 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 टी आर अपने मैक्सिमम पॉइंट पे आ गया, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, तो टी आर जब अपने चरम सीमा पे आ गया, एम आर जीरो हो गया, टी आर अपने मैक्सिमम पॉइंट एम आर, तो टी आर पहले बढ़ा, बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम पॉइंट पे आ गया जहां पे एम आर, और बढ़ने के बाद लास्ट में गिरेगा, तो टी आर गिरा, एम आर क्या हो गया, तीन रिलेशन समझा, लिखो पहला रिलेशनशिप, वेन टी आर इंक्रीजेस, वेन टी आर इंक्रीजेस कॉमा, लिख रहे हो क्या, महक आप तो लिख नहीं रहे हो, जो लिख रहा हूं वही, जो लिखा रहा हूं वही लिखोगे क्या, नहीं लिख पाओगे आप, आपने जो लिखा हो गलत सलत लिखा है, मिला लेना अगर सही होगा तो, वेन टी आर इंक्रीजेस कॉमा एम आर फॉल्स बट इट इज पॉजिटिव, ये नहीं लिखा आपने महक, इट इज पॉजिटिव नहीं लिखा आपने, चेक कर लो चाहे तो, वेन टी आर इंक्रीजेस एम आर गिर तो रहा है मगर फिर भी सकारात्मक है, पॉजिटिव है। उसके बाद वेन टी आर इज मैक्सिमम, जब टी आर अपने चरम सीमा पर है, एम आर पूरा पूरी शून्य है, कितना है शून्य है, एम आर इज इक्वल टू, और जब टी आर भी क्या होने लगा, वेन टी आर फॉल्स या डिक्रीजेस कुछ भी, तो एम आर इज नेगेटिव। ये हो गया हमारे रिलेशनशिप, किसके बारे में सर, टी आर ए आर एम आर, क्लियर हो गया मेरा बात, हाँ। अच्छा एक चीज और पूछू, बुरा मत मानना, ये लिख लिया ना तुम लोग, देन आई हैव टू आस्क यू समथिंग, क्या सवाल है मेरा, अपने परफेक्ट कॉम्बिनेशन में प्रॉपर्टी पढ़े, ये प्रॉपर्टी पढ़े, अपने मोनोपोली में भी एक प्रॉपर्टी पढ़े, पी इक्वल टू यस और नो, पढ़े कि नहीं पढ़े, क्या नहीं पढ़ा, क्या बोलता, नहीं ना पढ़ा ना, पी एयर तो बराबर है मगर इसका मतलब कोई भी मार्केट हो ये दोनों तो चिपक के रहेगा आपस में, ये दोनों तो आपस में तो बराबर ही रहेगा। माय क्वेश्चन गोज टू वाई, क्यों पी और एआर हमेशा बराबर होता है, मैथमेटिकली प्रूफ करो मेरे को, मैथमेटिकली प्रूफ करो, ये सब ले लॉजिक नहीं, मैथमेटिकली चाहिए, मैथमेटिकली दो तीन लाइन में आपको आता है साधना, बुद्धि लगा, बढ़ रहा है क्वांटिटी बढ़ रहा है, और उसका लिख के नहीं, इक्वेशन मैथमेटिकली पी और एआर हमेशा सेम होगा, तुमने तो मैथ्स लिया भी होगा बहुत जल्द, नहीं होगा, चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आ जाओ, अगर नहीं होगा तो देखो मैंने क्या बोला समझो प्लीज,
मैंने बोला प्रूफ क्या करना है अपने को, ER इक्वल टू प्राइज ही तो प्रूफ करना है। हो गया कैसे हो गया? हाँ एकदम सही बोले। देखो AR का फॉर्मूला था क्या? TR by Q था ना। और ऐसे लिखो TR का फॉर्मूला क्या है और Q की जगह Q लिखो, नहीं हुआ तो कितना लाइन का चीज था ये। इसका मतलब कोई भी मार्केट हो, कोई भी दुनिया का कोई भी मार्केट हो, दुनिया का कोई भी मार्केट हो, ये दोनों सेम रहेगा, मगर MR डिपेंड करता है टोटल रेवेन्यू पे, समझा? तो AR और प्राइस हमेशा क्या रहेगा, कोई भी मार्केट हो, बार बार कोई भी मार्केट हो, AR और प्राइस हमेशा सेम रहेगा। क्लियर हो गया? मैंने तुम लोग एक होमवर्क दिया तो एक होमवर्क और लिखो, एक होमवर्क और लिखो। मेरे को नहीं पता तुम लोग कैसे खोजेगा, कहां खोजेगा, हालांकि तुम लोग मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट है। वाई इज समझ के करना होगा, लेकिन पूछेंगे हम, सिर्फ छाप के दिखा देने से नहीं होगा ना, यू हैव टू एक्सप्लेन मी। वाई इज एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑल्सो नोन एज द डिमांड कर्व ऑफ द फर्म। ये दो क्वेश्चन कल चाहिए ही चाहिए मेरे को, आज फोटो भेजने का जरूरत नहीं है, कल आएगा, पहले कॉपी खोल के रखना। Why is average revenue curve also known as the demand curve? आंसर सेम किसी का मिलना नहीं चाहिए। किसी को मत बोलो, भी सबको करने दो, मेरे को कान में आके बता देना बाद में। Why is average revenue curve also known as the, पहला क्वेश्चन क्या था? और दूसरा समझा मेरा बात? बुक खोल के देख लो किसा का, बुक में कुछ टॉपिक बचा है तो देख लो रेवेन्यू से, बुक खोल के देख लो कोई टॉपिक बचा है क्या रेवेन्यू से।